लिया गया है। जातीय सर्वेक्षण की मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की बैठक में। आपको बता दें कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को दी है जिम्मेदारी। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को मिलेगी इसकी जिम्मेदारी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी मिलेगी और अब ये मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि लगातार हम खबरें दिखा रहे थे और T45 की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। जातीय सर्वेक्षण की कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि कैबिनेट में कार्मिक विभाग को दी है जिम्मेदारी। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को मिलेगी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को दी है जिम्मेदारी। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें जातीय सर्वेक्षण की बैठक को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि बैठक में ये फैसला लिया है कि कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है और ये जिम्मेदारी दी गई है कार्मिक विभाग को। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को मिलेगी जिम्मेदारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है जिसमें 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और बता दें कि कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को उसकी जिम्मेदारी दी है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई और इस बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की बैठक की मंजूरी दी गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे स्टेट हेड राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की जो मंजूरी है वो कैबिनेट से मिल चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित लंबे समय से चला रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह का प्रावधान था कि जातीय जनगणना करनी होगी जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव होने हैं। और उसके बाद से अब जाकर कहा है कि कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि आखिर किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, कौन से विभाग के जिम्मे ये जाएगा। ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग के पास होगी कि वो आगे फैसला लेगा कि इस प्रक्रिया को कैसे पूरा किया जा सकेगा और कितनी जल्दी पूरा की जा सकेगी। इन सारे विषयों को लेकर कैबिनेट में आज प्रस्ताव लाया गया था जिसे पारित होने के बाद कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत समीकरण के तहत जिस तरीके से यहाँ कहा जा सकता है कि जनगणना कराई जानी है और इसके बाद से सर्वेक्षण के बाद से आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी है, इस पर एक पहली कड़ी कही जा सकती है और आने वाले समय में पूरी तरह से इस पर अमल करने की तैयारी होगी। जी जी, बिल्कुल, बड़ा ही फैसला लिया गया जिस तरीके से 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और सबसे बड़ा ये फैसला ये लिया गया है जातीय सर्वेक्षण, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बहुत कारगर साबित होगा। राकेश जी, देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कई ऐसी चीजें थी, खास करके आपने देखा होगा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि ओबीसी के आरक्षण को जो मामले हैं उसको लेकर चर्चा थी कि कैसे हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पे अब जाकर एक बड़ा फैसला आया था कि किसी भी स्थिति में जातिगत सर्वेक्षण की जानी चाहिए और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया हो सकती है। तो ऐसे में ये मामला लंबे समय से लटका हुआ है और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से जल्दी ही सारी चीजें जब सामने आ जाएंगी उसके बाद से नगर निकाय के चुनाव की ओर भी बातचीत की जा सकेगी। जी जी राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, इसमें 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और आपको बता दें कि जातीय सर्वेक्षण में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है, अब कार्मिक विभाग इस पर फैसला लेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कैबिनेट के कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि आखिर किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। T45 लगातार ये कयास लगा रहा था कि जो घोषणा है वो की जा सकती है, मंजूरी दी जा सकती है और मंजूरी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई और इस कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की
कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है और आपको बता दें कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 33 प्रस्ताव पर मोहर लगी है जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई। आपको बता दें जिसका जिम्मेदारी जो है कार्मिक विभाग को दिया गया है। अब कार्मिक विभाग के पास ये है कि वो किससे इसकी जिम्मेदारी सौंपेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पर अधिक बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, जिस तरीके से झारखंड कैबिनेट की ये बैठक संपन्न हुई, 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी और सबसे बड़ी बात है कि जातीय सर्वेक्षण की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दो वर्ष पूर्व भी जातिगत सर्वेक्षण की डिमांड को लेकर झारखंड से जो एक सर्वदलीय समिति गई थी उसमें हमारे प्रतिनिधि भी थे, तो हम तो शुरू से जातिगत सर्वेक्षण के पक्षधर हैं और केंद्र ने ये राज्यों को स्वतंत्रता दे दी है कि साहब आप जातीय सर्वेक्षण कराएं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अब ये मरणासन, राजनीतिक मरणासन शैया पर पड़े सरकार ये नाटक कर रही है। 4 महीने का समय बचा साहब पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, नगर निकाय में जो ट्रिपल टेस्ट की वे बात कर रहे थे तो 4 साल 7 महीने में तो ये करा नहीं पाए। अभी तक ट्रिपल टेस्ट शुरू नहीं हो पाया, सिर्फ पत्र पत्र खेल रहा है, तो 4 महीने में जातीय जनगणना कैसे कराएंगे? हम पूरे इसके समर्थन में है लेकिन ये सरकार की नियत पर हमें शक है। बिल्कुल, जिस तरीके से 4 महीने ही बचे हुए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, ये करा ही नहीं पाएंगे इतने कम समय में। इनको नोटिफाई करना होगा कौन डिपार्टमेंट करेगा क्या करेगा। आई वॉश, ये सरकार आई वॉश मोड में है, कभी 200 यूनिट बिजली फ्री देती है जबकि बिजली की क्या स्थिति है, जो चीज है नहीं वो आप दे दे रहे हैं, बिजली मिली नहीं रही। उसी तरीके से जातिगत सर्वेक्षण अगर इनको कराना था तो इसमें तो 2 साल पहले ही सर्वसम्मति बन गई थी, हमारा प्रतिनिधि मंडल में सदस्य भी शामिल हुए थे, दिल्ली गए थे, गृह मंत्रालय में मुलाकात की थी, अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की थी, तो 2 साल क्यों लगाया? ये सरकार की विदाई का समय अनिकेत और ये सिर्फ इसी तरीके का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 साल पहले तो जिस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने उसमें उन्होंने था कि कोरोना काल चल रहा है, जिसके बाद फिर अभी लोकसभा चुनाव आ गए, जो मुख्यमंत्री थे वो जेल में चले गए, फिर लोकसभा चुनाव आ गया और अब जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कहीं ना कहीं काफी चुनौती, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ये हो नहीं पाएगा। उसमें कोई चुनौती नहीं थी, 2 साल पहले हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, 2 साल देर क्यों किया इन्होंने? अब तक तो जातिगत सर्वे हो गया होता। जी प्रतुल जी, बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से झारखंड कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड में जातीय सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई है और कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कार्मिक विभाग अब तय करेगा कि जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी का क्या कहना था कि यह बिल्कुल ही असंभव है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बस 4 महीने बचे हुए हैं, 2 साल पहले ही इसको मंजूरी दे दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब जब 4 महीने बचे हुए हैं तो इस 4 महीने पहले जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं खाना पूर्ति है जिस तरीके से उनका कहना है। लेकिन यह बड़ा फैसला लिया गया है, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है जिसमें सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में और इसकी जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को फिलहाल दी गई है और कार्मिक विभाग अब तय करेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अभी भी आगे फैसला आना है कि कार्मिक विभाग तय करेगा कि आखिर किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और कब तक ये जो सर्वेक्षण है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से कहना था प्रतुल शाहदेव जी का। लेकिन ये बड़ा फैसला सामने आया है, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है और आपको बता दें कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी और सर्वेक्षण कब जो है वो शुरू होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि जातीय सर्वेक्षण की मंजूरी जो है वो दे दी गई है कैबिनेट की बैठक की तरफ से और ये बैठक में फैसला लिया गया है कि कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि आखिर किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी जो जातीय सर्वेक्षण करवाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी रांची से झारखंड कैबिनेट की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इस बैठक में 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और आपको बता दें कि इसमें सबसे अहम जो है वो झारखंड में
जाते सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में और कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग से जाते सर्वेक्षण कराया जाए। तो आपको बता दें जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के बातें सामने आ रही है, साथ ही जो है कि जातीय सर्वेक्षण की बात जो कही जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, तो कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और आपको बता दें कि कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी जो जातीय सर्वेक्षण कराएगा पूरे राज्यभर में। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है और इस बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं जातीय सर्वेक्षण पर कैबिनेट की मुहर लगी है और आपको बता दें कि इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो तय करे कि किस विभाग से जातीय सर्वेक्षण जो है कराया जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां आज कैबिनेट की बैठक चल रही थी और बैठक में जातीय सर्वेक्षण कराने का कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और आपको बता दें कि कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी फिलहाल दी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेंगे कि किस विभाग के द्वारा जातीय सर्वेक्षण कराया जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है अब जातीय सर्वेक्षण को लेकर के, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण कराने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें झारखंड में जातीय सर्वेक्षण करने की मंजूरी मिल चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग जिस दल से आते हैं उसकी गारंटी फुल प्रूफ होती है। जो गारंटी हम लोग देंगे उसको पूरा करेंगे। अब हम लोगों ने पूरे देश में ये बात कही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। अब इस देश में जितने गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान जितने लोग हैं, उनके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। तो इसको मंजूरी मिला है तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि इससे पहले हम लोग बिहार में थे तो वहां लागू हो गया, कर्नाटक में हो चुका है और सरकार हमारी नहीं बनी, नहीं तो देश में हम लोग इसको लागू करते। रही बात पिछड़ों की और गिनती की बात, तो आप देख लीजिए बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है या उसके पेरेंट बॉडी है आरएसएस, आज तक उसमें ओबीसी या पिछड़ा या दलित कभी उसका संघ संचालक नहीं बना है। तो ये तो आप जान लीजिए कि कौन आदमी इस देश की जनता को भागीदारी दे सकता है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिस तरीके से, लेकिन अभी बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी का कहना था कि 2 साल पहले ही वो भी समर्थन कर रहे थे कि 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए, पर इतना देर क्यों हो गया? अरे परतूल जी से पूछिए कि केंद्र में तो हम लगातार मांग करते रहे हैं कि इसको केंद्र से ही लागू कर दिया जाए। तो वहां से तो देखिए क्या है कि अब तो यहाँ ये लोग फंस गए, क्योंकि ये लोग हमेशा जिस चीज का विरोध करते रहे हैं वही लागू हो गया। ये लोग सरना धन का विरोध करते हैं, सरना धन के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसी तरह ये हिस्सेदारी न्याय है, जो 5 न्याय था उसमें एक न्याय है ये हिस्सेदारी न्याय, तो हम लोग हिस्सेदारी नहीं। लेकिन कैबिनेट में फैसला तो ले लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है, लेकिन 4 महीने में विधानसभा चुनाव है और अभी जिस तरीके से कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, अब वो तय करेगी कि कौन सा विभाग जो है जातीय सर्वेक्षण कराए, तो क्या 3 से 4 महीनों में ये हो पाएगा? देखिए क्या है ना कि पहल जब किसी चीज का हो जाती है तो काम भी होता है। तो जो सरकार पहल ही नहीं की देश में, वो काम क्या करेगी? तो यहाँ जब झारखंड में पहल हो गया है भागीदारी का, तो हो जाएगा। टाइम लगता है कोई काम में, लेकिन 4 महीना है मेरे पास। बिल्कुल, तो आपको कहना है कि आपकी जो सरकार है वो 4 महीने में जातीय सर्वेक्षण जो है वो करवा लेगी? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, 4 महीना में 120 दिन होते हैं और ये जो सरकार है ना, ये काम करने वाली सरकार है, इसलिए 120 दिन इस सरकार के लिए कम नहीं है, काम हो जाएगा।
जी कमल जी, अब देखने वाली बात होगी 120 दिनों में काम होता है या नहीं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर जी का क्या कहना था कि 120 दिन है वो काफी है, 120 दिनों में जो सर्वेक्षण है वो हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो सर्वेक्षण है पूरी तरीके से सफल होगा और 120 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। तो बता दें कि झारखंड कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जातीय सर्वेक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और कार्मिक विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कार्मिक विभाग तय करेगा कि आखिर किस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी।